नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज का जॉब का जो अपडेट निकाला गया है वो सब इंस्पेक्टर के पद पर 338 पदों पर यहां पे बहाली निकाला गया है। तो आज हम आपको इसी का अपडेट बताएंगे और बताएंगे कि ये बहाली कहां से निकला है और कौन कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पे जो फॉर्म का अपडेट निकाला गया है भर्ती का, ये 18 जुलाई हिंदुस्तान पेपर के तरफ से निकाला गया है। जी हाँ दोस्तों, रांची हिंदुस्तान पेपर के तरफ से 18 जुलाई के डेट में ये अपडेट निकाला गया है, जिसमें बताया गया स्कूल सब इंस्पेक्टर के पद पर 338 पद रिक्तियाँ जल्द से जल्द होने वाली है। तो क्या अपडेट है और कहाँ पर ये बहाली निकाला गया, चलिए हम पूरा डिटेल में देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो अपडेट निकाला गया, पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग ने स्कूल सब इंस्पेक्टर के 338 पदों को भरने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। तो ये अपडेट जो निकला है पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग की तरफ से निकाला गया है, जिसमें 338 पद का यहाँ पर बहाली निकाला गया है। उम्मीदवार को इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आरक्षण का लाभ सिर्फ पश्चिम बंगाल के मूल निवासी को उम्मीदवार को दी जाएगी। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि सभी लोग फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन अगर आप पश्चिम बंगाल के निवासी है तो आपको आरक्षण दिया जाएगा। इन पदों पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों को बंगाल भाषा में लिखना पढ़ना और बोलना अनिवार्य है। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है, अगर आप अदर स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं तो आपको बंगला भाषा जानना जरूरी है, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, नहीं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। स्कूल सब इंस्पेक्टर में 338 पद यहाँ पर निकाला गया है और योग्यता जो इसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया, आप देख सकते हैं किसी भी विषय में सेकेंड क्लास बैचलर ऑनर्स डिग्री या मास्टर डिग्री के साथ बीएड या समझ योग होना जरूरी है। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है दोस्तों, बैचलर डिग्री ऑनर्स डिग्री या मास्टर डिग्री के साथ आपको बीएड होना जरूरी है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। आवेदन शुल्क सामान्य ओबीसी के लिए ₹160 बनाया गया है, जनरल ओबीसी के लिए और एसटीएससी उम्मीदवार के लिए फ्री है, कोई भी शुल्क नहीं है। उम्र सीमा जो इसका बताया गया है 36 वर्ष तक जितने भी लोग हैं 18 से, वो लोग इस फॉर्म को भर सकेंगे। वेतन इसमें जो बताया गया है 9000 से 40500 रुपया प्लस 4700 ग्रेड पे यहाँ पर बताया गया है। और सिलेक्शन प्रोसेस जो यहाँ पे बताया गया, लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन लिया जाएगा। तो यहाँ पर जो अपडेट निकाला गया है, इसमें परीक्षा पहले लिया जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते 6 अगस्त 2018 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस वेबसाइट में जाकर www.pscwbaapplication.in पे जाकर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन का लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप पूरा डिटेल भी पढ़ सकते हैं और फॉर्म को भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही जानकारी दूंगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।